गली से उठे भाई भी सबको मालूम मुनव्वर भाई भी। हाँ। एक बार बिग बॉस के मिलने पे मुनव्वर भाई शायरी मार दे रहे, हम लोग का दिल उठ गया है। बिग बॉस बैंड ना सना मकबूल की एक भी हरकत दिखी नहीं। ऑलराइट, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा फिल्म्स आमिर खान यही के। तो फाइनली मैंने कल रात में बिग बॉस देखा है और काफी लोगों ने भी मतलब बिग बॉस देखा है कल रात में, और सना मकबूल विनर हुए। और मैं सबसे पहले सना मकबूल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बिग बॉस की विनिंग के लिए। और सेकंड थिंग के नेजी भाई के भी फैंस, बॉम्बे 70 के फैंस बहुत नाराज। दुख तो है भाई पूरे एरिया को, पूरे बॉम्बे 70 को दुख है, पूरा का पूरा हक था जीतने का, ये गलत हुआ उसके साथ में नेजी भाई की हार पर। मैंने अभी बॉलीवुड वायरल बॉलीवुड का भी इंटरव्यू में देखा है कि नेजी भाई के काफ़ी बॉम्बे 70 के फैन जो कुरला के हैं, वो लोगों ने कहा है कि हम सभी लोगों ने नेजी भाई को वोट किया है। नेजी भाई की हार पर वो लोगों ने बहुत नाराजगी जताई। और एक तरफ एक वीडियो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन सना जी, और बहुत अच्छा लगा आप ऑलरेडी 3 जीत गए, और सच में बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि एक लड़की बिग बॉस में आई और वो जीत गई। तो भाई सना की मम्मी अभी यहाँ पर आ रही है, कांग्रेचुलेशन दिल से। कि आज है ना, बहुत लोगों की बात बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम अपनी लड़की को इस फील्ड में आगे नहीं लेके जाएंगे, लड़कियां के लिए फील्ड बहुत गंदी है। बट आज हिंदुस्तान की हर एक लड़कियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ये लड़की यहाँ पर फाइनल जीत सकती है, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तो हिंदुस्तान इस वीडियो में थाराबाई जोगिंदर ने सना मकबूल के विनिंग पर बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा एंटरटेन किया। और उसी तरफ मुनव्वर फारूकी ने एक स्टोरी लगाई। मुनव्वर फारूकी के स्टोरी पर भी काफ़ी बॉम्बे 70 के फैन नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मतलब आप भी ज़ीरो से आए, आप भी स्ट्रगल से आए, आप भी कुरला आके निजी भाई के लिए रुकते थे, निजी भाई का वेट करते थे, बट आपने एक बार भी निजी भाई के लिए आपने वहाँ पर स्टोरी नहीं लगी कि सपोर्ट निजी। और सिर्फ मुनव्वर भाई ने एक स्टोरी इंस्टाग्राम पर लगाई थी, ये वाली सिर्फ कल्ट स्टोरी में लिखा हुआ है कल्ट। तो पब्लिक भी कंफ्यूज है कि कल्ट का मतलब क्या है, कल्ट का मतलब काफ़ी पब्लिक जानना चाहती है बॉम्बे 70 की। और बॉम्बे 70 के काफ़ी लोगों ने मुनव्वर फारूकी से नाराज़गी जताई है, क्योंकि वो जो खाने वाला जो जोक था बिग बॉस में, वो जोक को लेकर बहुत लोग नाराज हुए। नहीं, वो स्टेटमेंट बहुत गलत बोल दिए थे, वो चीज के ऊपर उसने माफी भी मांगा है। लोगों को अपना दिन भूलना नहीं चाहिए, है ना। भाई भी कहाँ से आए सबको मालूम है, कहाँ से कौन सी गली से उठे भाई भी सबको मालूम, मुनव्वर भाई भी। हाँ। एक बार बिग बॉस के मिलने पे मुनव्वर भाई शायरी मार दे रहे, और दूसरे सीजन में ओटीटी में भूल जा रहे अपना पुराना दिन। हाँ, ये नहीं। और उसी तरह एलविश यादव ने उनके स्टोरी पर कहा है कि एक बिग बॉस वहाँ चल रहा है, ये यहाँ दो हार्ट्स लगाए और लव यू एलविश आर्मी, और नीचे लगाया है एलविश इनकम्पेरेबल विनर। एलविश यादव का कहना है कि उनके विनिंग के लिए कोई कंपेरेबल नहीं है। तो इस तरह बिग बॉस विनर्स ने एक दूसरे को कंपेरिजन में लिया है और स्टोरीज लगाई है। बट मुनव्वर फारूकी से बॉम्बे 70 के काफ़ी फैंस नाराज है, क्योंकि उन्होंने नेजी भाई को सपोर्ट नहीं किया, और बिग बॉस के असली विनर नेजी भाई है, ऐसा बॉम्बे 70 की काफ़ी पब्लिक का कहना है। कि और पब्लिक का ये कहना है कि सना मकबूल डबल गेम खेल रही थी। आते हुए कोई बिग बॉस के सना को मैंने इस चीज़ के वजह से जिताया हूँ, ऐसे ऐसे करने से बिग बॉस नहीं खेला जाता ना। वहाँ समझे हम लोग का दिल दुख गया, ऐसे अंदर की सेटिंग थी सर, हम लोग का दिल उठ गया है। बिग बॉस बैंड ना सना मकबूल की एक भी हरकत दिखी नहीं, खाली इधर जा रही उधर चुगली लगा रही, इधर की चुगली उधर लगा रही, यही काम हो रहा था उसका। सना मकबूल कहीं नहीं लग रही ना, वेद क्या सना मकबूल सिर्फ इधर की बातें उधर कर रही थी। नेजी भाई रैप कर रहे थे, नेजी भाई एंटरटेन कर रहे थे बिग बॉस में, बिग बॉस में नेजी भाई बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। बट सना मकबूल नो एंटरटेन, नो रैप, और नो मतलब कोई ऐसा कोई हरकत ही नहीं कर रहे थे जो पब्लिक एंटरटेन हो। तो सना मकबूल विनिंग कहाँ से हुई? और बॉम्बे 70 की पब्लिक का ये भी कहना है कि सना मकबूल को वोटिंग 56% से भी कम थी, तब के नेजी भाई को वोटिंग बहुत सारी थी। ये मैंने अभी वायरल बॉलीवुड के इंटरव्यू में देखा है। तो आपका क्या कहना है ज़रूर मुझे बताइए।